कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खापरी और प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे के नेतृत्व में नेत्रहीन बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक जनपद से नेत्रहीन बच्चों ने निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। साथ ही नेत्रहीन बच्चों ने भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा करते हुए अपने विचारों को साझा किया। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी से हमारे संवाददाता अविनाश ने खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश वहाँ पे कांग्रेस बहुत लोग के प्रदेश इंतजार कर अध्यक्ष रहे हैं। ब्रजलाल खाबरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा, अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, कितना समर्थन उत्तर प्रदेश में जनता का मिलते दिख रहा है? जिस व्यक्ति तक राहुल जी की यात्रा की खबर है, वो व्यक्ति राहुल जी के साथ जुड़ गया है। वही काम अब हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं। जिस जगह तक हमारे ये आवाज जाएगी, जितने ही जगह पर हम जाके मिलेंगे, वो सब राहुल जी के साथ चलने के लिए राजी होंगे, तैयार होंगे और तैयार हैं। बीजेपी वाले इस यात्रा को फेलियर बता रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? उनसे क्या मतलब है? वो फेल बताएं, पास बताएं, कौन सर्टिफिकेट देने वाले होते हैं वो? ये तो जनता सर्टिफिकेट दे रही है, लाखों की संख्या में लोग उनके पीछे चल रहे हैं। वो भी आमंत्रित गोंडा के सांसद जिस तरीके से सुर्खियों में इसमें इस्तीफा देने की बात चल रही, कैसे देखती कांग्रेस? ये तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत परंपरागत काम है, ये तो चलता ही रहता है उनके यहाँ। इस पर तो कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं है। वो तो ये तो एक अकेले की बात कर रहे हैं आप, पूरा इतिहास 8 साल का उठा के देखो, यही तो काम है उनके पास। तो साफ तौर पर जो है उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्रजलाल खाबरी, साफ तौर पर उनका कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा हो, उसमें उत्तर प्रदेश में जो जनता का समर्थन है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलने वाला है। लखनऊ से MK न्यूज़ के लिए अविनाश।